Okay, जी, दिस विल बी द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. और इसमें बेसिकली जो है ना, हमने हाइड्रोलिक जंप का एक उल्टा फिनोमिना है, मतलब एंटाई जो है ना फिनोमिना है हाइड्रोलिक जंप का, उसके बिल्कुल उलट फिनोमिना है जो कि हमने स्टडी करना है. ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ड्रॉप. अब हाइड्रोलिक जंप में और हाइड्रोलिक ड्रॉप में थोड़े बहुत डिफरेंसेस मैं जो है ना आपको यहाँ बता दूँ. ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो है स्टडी अभी अभी पिछली स्लाइड पे किया है कि जो हाइड्रोलिक जंप होता है उसमें जो फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल से चेंज होता है इनटू इनटू सब क्रिटिकल. ठीक है, एक तो नहीं ये पढ़ा, जो हाइड्रोलिक ड्रॉप है ना इसमें क्या होगा कि फ्लो जो है वो सब क्रिटिकल से चेंज होगा इनटू सुपर क्रिटिकल. ठीक हो गया, ये दोनों में डिफरेंस है, क्लियर हो गया. दूसरी चीज़ हमने इसमें ये पढ़ी थी कि जो आपने डेप्थ एट क्रॉस सेक्शन वन है, आपको याद होगा, ठीक है, दैट वॉज स्मॉलर देन डेप्थ एट क्रॉस सेक्शन. लाइकवाइज जो वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन वन है, इट वॉज ग्रेटर देन द वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन टू. ठीक हो गया, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है ना इसके उलट होंगी, यहाँ पे जो दोनों चीज़ें हैं ना वो ये इसके उलट होंगी. ये मैं ऐसे कर देता हूँ और ये ऐसे मैं ऐसे कर देता हूँ. ठीक हो गया, ये दोनों इसके इसके अंदर तीन बेसिकली जो है ना ये डिफरेंसेस हैं जो कि हाइड्रोलिक जंप में और हाइड्रोलिक फॉल के अंदर होती है. ठीक है, ओके, तो आए जरा उस पे स्लाइड पे चलते हैं और इसको जो है ना जरा बेहतरीन तरीके से समझने की जो है ना कोशिश करते हैं. ठीक है, अच्छा, बल्कि उससे पहले मैं एक चीज़ ना उधर ही लगे आता हूँ बता दूँ, ताकि दोबारा जो है ना वो वर्ड की फाइल पे आना पड़े ही ना. अच्छा, आप लोगों को याद खैर नहीं, पहले कभी बताया ही मैंने कभी आपको ये वाली बातें. आप लोगों को ने एक चीज़ कभी ऑब्जर्व करना, कभी भी पानी जो है ना वो जब फ्लो करता है ना, तो पानी की ना एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, ज़रा उसको थोड़ी सी ना ऑब्जर्व करने की कोशिश करना. ठीक है, अज्यूम करो कि ये आपके चैनल का बॉटम है. अज्यूम करो कि ये आपके चैनल का जो है ना ये बॉटम है. ठीक है, अच्छा, ये बॉटम जो है इसकी प्रोफाइल जो है एकदम से अगर का स्लोप जो है वो ज्यादा आप कर दो. ठीक है, अब कभी ऑब्जर्व करना कि जो पानी जो है इसके ऊपर फ्लो करेगा ना वो बड़ा स्मूथली उसकी प्रोफाइल होगी. ठीक है, इस पूरी रीच के ऊपर, लेकिन जब जहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर जो है स्लोप एकदम से चेंज कर रहा है उससे थोड़ी दूर पहले, ठीक है, उससे थोड़ी दूर पहले पानी जो है अपनी प्रोफाइल को एडजस्ट करेगा, पानी जो है अपनी प्रोफाइल को एडजस्ट करेगा. ये फैक्ट है, आप कभी भी जो है कहीं पर भी अगर फ्लो हो रहा है तो जाके देख लेना कि पानी जो है उस जगह पे पहुंचने से पहले कि जहाँ पे प्रोफाइल चेंज हो रही है, ठीक है ना, पानी अपनी प्रोफाइल को जो है वो एडजस्ट करेगा और कुछ उसकी जो है ना प्रोफाइल जो है जो एडजस्ट होगी तो फिर आगे से जो है वो मेरे से गलती हो गई है, अपनी प्रोफाइल को एडजस्ट करेगा और लेटर ऑन जो आपकी प्रोफाइल है उसकी वो कुछ ऐसे हो जाएगी. ठीक है, ये नज सा बीच में बना हुआ है लेकिन कुछ बताने का मकसद ये है कि पानी अपनी प्रोफाइल जो है उसको चेंज करेगा. अगर थोड़ी सी बात में कंफ्यूजन आ रही है तो मैं इसको जो है ना बाय हैंड ड्रॉ कर देता हूँ, इसको बाय हैंड में ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से करेगा, पानी के अपनी प्रोफाइल जो है वो उस पॉइंट के पहुँचने से पहले उसको जो है वो एडजस्ट करेगा. ठीक है ना, तो कुछ इस तरह होता है, ये पानी की प्रॉपर्टी है. कभी पानी फ्लो कहीं पर कर रहा हो
नहर के अंदर फ्लो कर रहा हो, कहीं पे कुछ कर रहा हो, कभी देखना कि जहाँ पे उसकी बॉटम जो है चेंज होने वाली होती है, उससे थोड़ी देर पहले ही पानी जो है अपनी जो प्रोफाइल है वो चेंज करता है। ठीक है, इधर ऑब्जर्व करना। वैसे भी आपने कभी वो मूवीज के अंदर देखा होगा आपने, या कभी भी, कि कहीं पे जो है ना वो कश्ती चल रही होती है दरिया के अंदर, जहाँ पे कहीं पे जो है आगे स्टीप स्लोप हो, या आगे से दरिया जो है उसका जो है ना वो आगे कहीं से फॉल बन रहा हो, तो होता क्या है कि फॉल पे गिरने से थोड़ी देर पहले जो है कश्ती एकदम से तेज हो जाती है। ये बेसिकली वही एडजस्टमेंट है जो पानी कर रहा है, कि वो जो है ना प्रोफाइल चेंज होने से पहले ही अपनी प्रोफाइल को एडजस्ट करके वो जो है ना वो थोड़ा सा उसको प्रोफाइल को चेंज करता है। ये पानी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चीज़ एक समझने वाली है, इसको अपने जो है ना वो जहन में रखना है इस बात को। ये मैं आगे इसको कॉन्सेप्ट को जो है ना वो आपको इस स्लाइड के अंदर जो है ना इसको मैं यूज़ करूँगा। अच्छा, हाइड्रोलिक ड्रॉप। अब इसमें होता क्या है कि सपोज करो कि जना हाइड्रोलिक ये इस तरह की कोई ड्रॉप बन रही है, कि पहले जो है ना पानी का जो है वो जो चैनल की बॉटम है वो थोड़ी सी जो है ना वो स्ट्रेट है, फिर एकदम से जो है उसमें स्टीप सा स्लोप आया और जो है क्या हुआ कि पानी यहाँ से जो है ना वो फॉल कर रहा है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ड्रॉप। ठीक है, अब मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे स्लोप जो है चेंज हो रहा है, इनफैक्ट स्लोप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कि यहाँ पे स्लोप जो है ऑलमोस्ट जो है वो क्या है, थोड़ा सा स्लोप है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, एकदम इन्फिनिटी हो रहा है। तो इस स्लोप से पहुँचने से पहले पानी जो है अपनी प्रोफाइल को देखो चेंज कर रहा है। वैसे जो है प्रोफाइल स्ट्रेट होनी चाहिए थी और स्ट्रेट है, थोड़ी देर के लिए पानी की प्रोफाइल जो है इस क्रॉस सेक्शन के अंदर स्ट्रेट है, लेकिन जूँ ही आगे अब वो चेंज आ रहा है, तो उस चेंज को एडजस्ट करने के लिए जो है पानी ने अपनी प्रोफाइल को जो है थोड़ा सा एडजस्ट किया है ये वाला। ठीक है, जो एडजस्टमेंट जो है ना पानी ने किया, ये किस वजह से किया है, ये इस वजह से किया। अच्छा जी, अब चूंकि फ्लो यहीं तक हो रहा है, ये वाला जो सेक्शन है फ्लो तो यहीं तक हो रहा है ना, आगे तो फॉल बन गई, आगे तो फ्लो तो वहीं पे होता है जहाँ पे बॉटम हो। ठीक है, जहाँ पे पानी जो है वो चल रहा हो बॉटम के ऊपर, आगे तो जो है ना वो फॉल है, आगे तो पानी खत्म हो गया, मतलब आगे फ्लो खत्म हो गया, तो इसी क्रॉस सेक्शन तक जो है ना उसने ई बाय कर्व जो है वो ड्रॉ किया है। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। ई बाय कर्व ड्रॉ की, अब इस वाले क्रॉस सेक्शन को उसने नाम दिया है क्रॉस सेक्शन वन का। ठीक है ना, क्लियर होगी मेरी बात। अब जाहिर बात है चूंकि ये हाइड्रोलिक ड्रॉप है, तो हमें ये बात का पता है कि ड्रॉप के अंदर क्रॉस सेक्शन वन के ऊपर फ्लो कौन सा होगा। हमने अभी पढ़ कर आए हैं कि फ्लो यहाँ पे होगा सब क्रिटिकल, क्योंकि हाइड्रोलिक ड्रॉप के अंदर फ्लो जो है वो सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल में चेंज होता है। ठीक है, फ्लो यहाँ पे सब है। अब जो है अगर ये सब क्रॉस सेक्शन वन है, तो यहाँ पे इसकी जो है ना अगर आप वाई वन ड्रॉ करोगे, तो वाई वन ये वाली आ गई है इसकी। क्लियर है ये वाली बात, बहुत सिंपल है। फिर दूसरी इसकी जो है ना वो अगर आप एनर्जी ड्रॉ करोगे इसके ऊपर, तो वो कितनी आ जाएगी एनर्जी, वो देखो जी यहाँ से लेके बेसिकली जो है ना उसने यहाँ पे ई वन नहीं लिखा उसको, उसने बेसिकली यहाँ पे सिर्फ उसको ई लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ई वन का कोई कॉन्सेप्ट, देखो क्रॉस सेक्शन वन तो यहाँ पे है लेकिन टू यहाँ पे नहीं है। हाइड्रोलिक ड्रॉप के अंदर यही मसला है कि यहाँ पे टू कहीं पर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस सेक्शन के बाद फ्लो खत्म हो गया। फ्लो जो है वो तब तक होता होता है जब तक बॉटम जो है उसके ऊपर पानी चले। जहाँ पे पानी जो है वो हवा में चला गया, अब हवा के अंदर कोई फ्लो नहीं होता। समझ आ रही है बात की, तो वाई नॉट के बाद जो है वो किसी किस्म का कोई फ्लो नहीं है, फ्लो यहीं तक था। वाई वन आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इसके ऊपर। ठीक है, ये जो है डेल्टा ई है। अच्छा, अब इस पॉइंट के होने से पहले हमें एक चीज़ का तो पता है, ठीक है ना, कि इस पॉइंट के आने से पहले ये जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, ये अगर क्रॉस सेक्शन अपने ये वन है, यहाँ पे फ्लो जो है क्या है, यहाँ पे फ्लो है सब क्रिटिकल। ठीक है ना, हमें ये तो नहीं पता कि सुपर क्रिटिकल फ्लो जो है वो कहाँ पे है या कैसे है, लेकिन हमें इस चीज़ का पता है कि जनाब के इस ड्रॉप के एंड होने से पहले फ्लो क्रिटिकल लाजमी होता है। ठीक है ना, फ्लो क्रिटिकल लाजमी हुआ है और वो जो है हमने यहाँ पे इसको जो है ना वो अज्यूम किया। इस टाइम अज्यूम हम कर रहे हैं कि जो क्रिटिकल डेप्थ जो है ना वो कहीं यहाँ पर है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो पता है हमें इस चीज़ का कि जनाब के सब क्रिटिकल से फ्लो जो है वो सुपर क्रिटिकल में चेंज होना ही होना है, तो ये तो लाजमी लाजमी मंजूर बात है। अच्छा, अब हमने ये तो कंफर्म है हमें इस बात का कि फ्लो जो है
सब क्रिटिकल था, ठीक है, सब क्रिटिकल जो है रहा, और आगे जो डेप्थ है इसकी, ये वाली, ये है इसकी क्रिटिकल डेप्थ, ये हमने इस क्रॉस सेक्शन के ख़त्म होने से पहले जो है ना वो क्या हुई है, वो बेसिकली डेप्थ हम लोगों ने इसके ऊपर ली हुई है कि ये जो है ना क्रिटिकल डेप्थ है। आगे तो फ्लो है ही कोई नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ये क्या है, ये बेसिकली क्रिटिकल डेप्थ ही है इसकी, ठीक हो गया। तो क्रिटिकल डेप्थ है ये वाली डेप्थ। इस डेप्थ के बारे में अज्यूम ये होता है कि ये डेप्थ जनरली जो है ना, जितनी डेप्थ क्रिटिकल हो, ये इस पॉइंट के 3 से 4 टाइम्स जितनी क्रिटिकल डेप्थ है उसके पीछे ये एग्जिस्ट करती होती है, ठीक है ना। चूंकि ये क्रिटिकल डेप्थ है तो क्रिटिकल डेप्थ जो है वो बेसिकली हम लोगों ने अगर ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करनी है तो वो ये वाली है, ठीक है। अब ये क्रिटिकल डेप्थ है तो इसकी एनर्जी जो है वो कौन सी होगी, ऑब्वियसली इसकी एनर्जी मैं लूंगा तो ये क्रिटिकल एनर्जी होगी। इसको हम ई मिनिमम भी बोलते हैं, जैसा उसने बोला हुआ है, या हम इसको ई सी भी बोलते हैं। ये क्रिटिकल डेप्थ आ गई, ये उसने क्या हुआ है कि ये ई है, तो ई माइनस ई सी क्या हो जाएगा, ई माइनस ई सी क्या हो जाएगा, ये डेल्टा ई जो है ना ये बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको ये वाली बात। अगर ये क्लियर नहीं है, अगर इसमें कोई सवाल है तो आपने मुझसे करना। तो एक चीज़ आपने अपने पहले सीखी है कि हाइड्रोलिक जंप जो है वो क्या होता है, जब आपका फ्लो जो है वो हो और फ्लो की डेप्थ इंक्रीज कर जाए, यानी कि फ्लो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज कर जाए, ठीक है ना। ड्रॉप इज समथिंग डिफरेंट। ड्रॉप में क्या होता है कि आपका जो फ्लो है वो पहले क्या है, पहले वो सब क्रिटिकल है, ठीक है ना, सब क्रिटिकल है, ठीक हो गया। तो उसके मुताबिक आपने उसको लोकेट किया अपनी जो है ना ई वाई कर्व के ऊपर, और हमें ये पता है कि इस फॉल के बनने से पहले फ्लो जो है, ये फ्लो की आदत है कि जब भी जो स्लोप है वो, जब मतलब क्या करें, जब बढ़ता है, जब स्लोप जो है ज़्यादा हो जाता है, तो फ्लो जो है उससे पहले क्या आएगा, फ्लो उससे पहले क्रिटिकल होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ जो है ना आपको और समझा दूँ ज़रा ना, जो बेहतर तरीका है इसको समझने का। बिल्कुल, सपोज करो कि आपके पास ना ये है, ये बल्कि मैं इसको 2 मिनट के लिए ज़रा मिनिमाइज़ करूँगा, मैं इसी बात को जो है आपको एक और तरह से समझाऊँगा, लेकिन इसके ऊपर समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ई वाई कर्व इसके ऊपर बनी हुई है। ये सपोज़ करो आपका ना ये बॉटम था चैनल का, ठीक है, ठीक हो गया, और ये बेसिकली जो है ना आपका चैनल का फ्लोर है। अब ये बॉटम की प्रोफाइल दी, ये इस पॉइंट से पहले जो है अपने आप को थोड़ी एडजस्ट करेगी और आपका जो ये फ्लो है ये बन जाएगा, ठीक है, क्लियर होगी बात ये वाली। ये आपकी जो डेप्थ है ये वाली, ये है वाई वन, जहाँ पे फ्लो क्या है, फ्लो है सब क्रिटिकल। ये जो डेप्थ है ना आपकी इस पॉइंट के ऊपर, ये है आपकी डेप्थ वाई टू, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लो क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्लो आ रहा है सुपर क्रिटिकल। अब इन दोनों के बीच में, अब इस पूरी जो है रीच के बीच में फ्लो जो है सब क्रिटिकल, फ्लो जो है क्या है सुपर क्रिटिकल है, इस पूरी रीच के बीच में फ्लो जो है, जब पानी ने ये जो जब तक पानी ने अपनी प्रोफाइल को एडजस्ट नहीं किया, उसके पीछे पीछे सारा फ्लो जो है वो क्या है, वो क्रिटिकल है। अब इसके ख़त्म होने से पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ना, हमें नहीं पता कि वो पॉइंट कहाँ पे है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, उसने अपने आप को डेप्थ जो है वहाँ पे क्रिटिकल हुई है, फ्लो क्रिटिकल हुआ है, क्योंकि फ्लो कभी भी सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल में चेंज नहीं हो सकता जब तक पहले वो क्रिटिकल में ना हो। ऐसे ही फ्लो कभी भी सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल में नहीं आ सकता बगैर क्रिटिकल हुए। तो वो जो क्रिटिकल फ्लो है वो कहीं यहाँ पे एडजस्ट करता है, क्योंकि अगली पूरी रीच में स्लोप ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा ज़्यादा हो गई है, तो आपका जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, वो सुपर क्रिटिकल है। उससे पहले पहले जो है फ्लो क्या है, सब क्रिटिकल है। तो जब पानी कहीं अपनी प्रोफाइल को एडजस्ट करता है फॉल से पहले पहले, ऐसे यहाँ पे इस डायग्राम में शो उसने करवाया हुआ है, तो वहाँ पर डेप्थ क्या हो जाती है, वहाँ पर डेप्थ जो है ना क्या है, वो क्रिटिकल डेप्थ है, ठीक है। और ये क्रिटिकल डेप्थ ये कहाँ बनती होती है, किस जगह पे बनती होती है, जी जितनी क्रिटिकल डेप्थ हो वो उस पॉइंट से कि जिस पॉइंट के ऊपर जो है ना प्रोफाइल, जो बॉटम जो प्रोफाइल है वो चेंज हो रही है, उसे 3 से 4 टाइम्स ज़रा पहले होती है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। मैं मज़ीद भी इसके ऊपर अगर कोई सवाल आप में से कोई बच्चा करेगा तो आई विल डेफिनेटली आंसर इन द क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। आई नो कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है, आई नो कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब थोड़ी सी एफर्ट करो, थोड़ा सा इसको जो है ना सवाल इसके ऊपर करो, तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्या है।
और प्रोबेबली दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट लेक्चर ऑफ द एंटायर कोर्स। तो मैं आई वोंट माइंड कि अगर आप में कोई सवाल करना हो या दोबारा बात को समझना हो, या इवन आप में से कोई बच्चा बोले कि जी आपके मैंने जो है ना, कुछ आपके बच्चे बोलते हैं कि जी हमें जो पूरा लेक्चर जो है ना आप दोबारा आके ऑनलाइन दें, मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन होगा आई विल आंसर। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पूरी जो है ना वो ये लेक्चर को पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ कहने को ये 5 स्लाइड्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि मेरा ख्याल है कि सबसे लेंथीस्ट लेक्चर जो है ना वो यही वाला है। ठीक है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, और इसी में से सवाल जो है मैक्सिमम मैं पूछूंगा भी क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर भी और वैसे भी। ठीक है, तो कोई सवाल हो तो डू आस्क। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।